हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्र लोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा। मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में, क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद ही नहीं है इनके राज में। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ के आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 1500 गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया, जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे, आप लोग प्रेस के लोग भी, हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। अभी काफी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना बोला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक, आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद्र लोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा। पहुंच तो जाए वहां, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का।
अमेरिका अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है तो ये भी देख लेंगे कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं। दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है, गुरबा लोग हैं, बेकारी है चारों तरफ फैला हुआ है, और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया, कि देश आगे बढ़ गया। देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में सीबीआई में ये ना फंसाया हो, सबको फंसा के। ये हम देखते थे पहले के जमाना में, सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। वही इनकी आदत हो गई है, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, कोई शौक से नहीं कराया है, डॉक्टरों ने कहा कि करा लो भाई। हमारी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने अपना किडनी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी, और वहाँ इतना हम अपना शरीर का ऑपरेशन कराए हुए हैं कोई ठिकाना नहीं। और पहले इस रोग के अलावा एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर पंडा है, यहाँ नामी ग्रामीण सर्जन है, 5-6 हमारा ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन आप सबका आशीर्वाद और कृपा है कि हम जीवित हैं, और हम आगे भी हम काफी, मेरा हौसला मजबूत है कि हम रहेंगे, और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है बिल्कुल। और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लड़ते आ रहा हूँ, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से, आपके और आपके गुरु कौन अध्यक्ष है वो हा? नहीं नहीं उनके पार्टी के अध्यक्ष जी हो, अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई, अरे अभी जो है मौजूद अमित शाह, बताओ ही कहा के शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हो भाई। हम थे राज्यसभा में थे उन दिनों में, भैरव सिंह शेखावत साहब जी उपराष्ट्रपति थे, और दंगा जब हुआ तो चारों तरफ देश और दुनिया भर में यूरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया कि मत जाना उधर, भारत में मत जाना, और इनको इनका प्रवेश भी निषेध हो गया था विदेशों में। आप सब लोगों को मालूम है किस तरह का इनका इतिहास रहा। हम गमछी बिछा के फ्लोर ऑफ द हाउस में वहां बैठ गए, आगे चेयरमैन के चेयर के नीचे, हम कहा कि मोदी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो मोदी को, नहीं तो नहीं उठेंगे। चारों तरफ से हाउस गर्म हो गया, गर्म हो गया हाउस, और गर्म होने के बाद काफी इनको परेशानी हुई, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नेता थे, वैसा नेता हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को राजधर्म भी कोई चीज होता है, राजधर्म
लेकिन जो आदमी गिरफ्तारी के बाद इतना सारा विपक्ष सब लोग हम लोग जुट गए थे कि भाई कम से कम कंडेम भी करो उनके एक्शन को, नहीं किया ये लोग, डिप्लोर बन मतलब किया कि वो भी नहीं, अंदर से नहीं निकले इन लोगों को कि हम निंदा करें, इतने बड़े नरसंहार हुआ था, क्या क्या हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग ज्यादा भाषण नहीं, भाषण का तो मेरा, हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दी है, निकल गई आज चले, तो सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए, अगर प्लेन है तो हम भी, मेरा भी प्लेन अभी निकल जाए, हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते हैं। फ्लाइट के टाइम आ गया, तो आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट होकर के सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा, अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जिंदाबाद, सब प्रणाम, क्या चलो। टाइम भी हो गया।